कोर्स में राउटर का जो अलग अलग प्रिविलेज लेवल्स होता है उसके बारे में समझेंगे, मतलब प्रिविलेज लेवल, आज का टॉपिक हो गया प्रिविलेज लेवल, और प्रिविलेज लेवल क्या है सब कुछ हम लोग समझेंगे धीरे धीरे, प्रैक्टिकली चीज़ों को हम लोग करके जाएंगे। तो देखो मैं डायरेक्ट शुरू करता हूँ अभी क्लास। सबसे पहले प्रिविलेज लेवल क्या है वो समझने से पहले हम लोग ये जान लें, राउटर जो होता है राउटर में बाय डिफ़ॉल्ट में 15 प्रिविलेज लेवल होता है। कितना? 15, 1 से लेके 15, अप टू 15 तक राउटर में टोटल 15 प्रिविलेज लेवल होता है। लेकिन उन 15 में से बाय डिफ़ॉल्ट में दो ही प्रिविलेज लेवल यहाँ पे एक्टिव होता है, एक्टिव रहता है। टोटल कितना? 15, उसमें से जस्ट दो ही प्रिविलेज लेवल यहाँ पे एक्टिव रहता है। एक हो गया प्रिविलेज लेवल 1 और सेकेंड हो गया प्रिविलेज लेवल 15। अब ये प्रिविलेज लेवल क्या है बाद में समझ में आएगा, पहले जस्ट सुनते जाओ मैं क्या बोल रहा हूँ। तो बाय डिफॉल्ट में दो ही प्रिविलेज लेवल एक्टिव रहता है, प्रिविलेज लेवल 1 और 15, बाकी 2 से लेके 14 तक वो एक्टिव नहीं रहते हैं। अच्छा अभी राइट नाउ, अभी देखिए मैंने राउटर को ऑन कर लिया, और राउटर को ऑन करते हुए मैंने राउटर को कंसोल में यहाँ पे लॉन्च लॉन्च करके रखा है। तुम लोग देख सकते हो स्क्रीन में तुम्हारा पास जो अभी आ रहा है ये राउटर का कंसोल है। तो जो राउटर को स्टार्ट करते ही ऑन करते जो सबसे पहला स्क्रीन आएगा वो तो यही आएगा, एज यू नो ऑलरेडी दिस थिंग्स, कि राउटर को ऑन करते ही जो सबसे पहला स्क्रीन आएगा वो तुम्हारे पास यही होगा, राउटर ग्रेटर देन सिंबल जो होता है, जिसको हम लोग यूजर एक्सेस सिंबल या तो यूजर एक्सेस प्रॉम्प्ट कहते हैं। ठीक है, अभी इस पर्टिकुलर मोड में अभी ये जो है राउटर, हम जब फर्स्ट टाइम के लिए तुम डिफॉल्ट मोड में राउटर में जाओगे ऑन करोगे, और तुम उस टाइम राउटर का कौन सा लेवल में लेवल का तुमको एक्सेस मिल रहा है ये तुमको पता करना है, समझ लो। अभी राइट नाउ अभी इस राउटर का कौन सा लेवल का हमको एक्सेस मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि 15 लेवल होता है उसमें से 1 एंड 15 बाई डिफॉल्ट में एक्टिव रहता है, बाकी सब एक्टिव नहीं रहता है। लेकिन अभी राइट नाउ इस राउटर में कौन सा लेवल चल रहा है, कौन सा लेवल में हम लोग अभी अभी है हम लोग, ठीक है। तो उसको पता करने के लिए यहाँ पे कमांड हो गया शो, तुमको कमांड क्या टाइप करना पड़ेगा, कमांड टाइप करना है शो, SHOW, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ शो, उसके बाद टाइप करना है प्रिविलेज, शो प्रिविलेज, शो हाँ शो प्रिविलेज, ठीक है, ये कमांड टाइप करो। तो एंटर प्रेस करते हैं तो हमको दिखा रहा है यहाँ पे ये हो गया कमांड, ऊपर में ये शॉर्ट फॉर्म में हुआ नहीं, एक्चुअली कमांड हो गया ये, ठीक है। तो शो प्रिविलेज, तो करेंट प्रिविलेज लेवल इज 1, मतलब राइट नाउ अभी हम लोग राउटर का कौन सा प्रिविलेज लेवल को एक्सेस कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, प्रिविलेज लेवल 1 में है, और प्रिविलेज लेवल 1 में अभी हम लोग राउटर को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये डिफॉल्ट में होता है, मतलब मैंने बोला बाई डिफॉल्ट में दो ही लेवल तुम्हारा यहाँ पे एक्टिव रहता है, प्रिविलेज लेवल 1 एंड प्रिविलेज लेवल 15। तो राइट नाउ यहाँ पे सिर्फ प्रिविलेज लेवल 1 ही अभी एक्टिव है। अच्छा नेक्स्ट जो हो गया, अभी देखो नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, ये तो अभी हम लोग राउटर का कंसोल मोड में है, ठीक है। यहाँ से हम लोग प्रिविलेज मोड में जाएंगे राउटर का, तो उसके लिए कमांड क्या टाइप करते हैं हम लोग, नॉर्मली हम लोग कमांड टाइप करते हैं एनेबल, ठीक है। नॉर्मली हम लोग क्या, कंसोल से अगर हमको प्रिविलेज में जाना है तो हम लोग कमांड टाइप करते हैं एनेबल। तो एनेबल कमांड टाइप करके एंटर प्रेस करने से हम लोग कहाँ चले जाएंगे, इसका प्रिविलेज मोड में चले जाएंगे। मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो देखो राउटर हैश सिंबल चेंज हो गया, राउटर हैश मतलब वी आर इन प्रिविलेज मोड। अच्छा तो अभी जब हम लोग एनेबल करके प्रिविलेज मोड में चले जाते हैं उसी टाइम हम लोग राउटर का 15 लेवल को एक्सेस कर लेते हैं, उसी टाइम राउटर का कौन सा प्रिविलेज लेवल को हम लोग एक्सेस करते हैं, यूज़ करते हैं, ये डिफॉल्ट में हो रहा है, ठीक है, ये डिफॉल्ट में हो रहा है सब कुछ। हम लोग डायरेक्ट 1 से कहाँ पे चले गए, अभी राउटर का प्रिविलेज लेवल 15 को हम लोग यूज़ कर रहे हैं। मैं दिखाता हूँ यहाँ पे भी, तुम वही कमांड टाइप करके देखो शो प्रिविलेज, ठीक है। शो प्रिविलेज को पूरा ना लिखते हुए तुम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो, SHPRIV, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है पूरा ना लिखते हुए शो प्रिविलेज। एंटर प्रेस करते हैं तो देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, करंट प्रिविलेज लेवल इज 15, मतलब पहले हम लोग 1 में थे प्रिविलेज लेवल, राउटर को प्रिविलेज लेवल 1 में एक्सेस कर रहे थे, जब हम लोग एनाबल करते हुए उसका प्रिविलेज मोड में आ गए तो राउटर का हम लोग कौन सा लेवल में आ चुके हैं, अभी प्रिविलेज लेवल 15 लेवल में आ चुके हैं। तो ये प्रिविलेज लेवल 1 15 है क्या, इसका मतलब है और इसका फ़र्क है, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो एक्चुअली मोस्टली ये सब चीज़ें तुम्हारा सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे सिक्योरिटी पर इतना डिस्कस नहीं करेंगे, फिर भी यहाँ पे थोड़ा बेसिक बातें मैं तुमको डिस्कस करने वाला हूँ सिक्योरिटी से, मतलब यहाँ पे होता क्या है। देखो अभी ये जो राउटर का हम लोगों ने दो लेवल मिला है 1 एंड 15, ये दोनों का फ़र्क है, क्योंकि देखो राउटर को जब हम लोग एक्सेस करते हैं यूज़ करते हैं तो
नॉर्मली होता क्या है, जैसे कोई सिस्टम राउटर छोड़ो, जैसे कोई कंप्यूटर सिस्टम का बात ले लो तुम, जब तुम कोई कंप्यूटर सिस्टम में तुम यूज़ करते हो तो होता क्या, उसमें तुमको लॉगिन करना पड़ता है। अगर उसमें तुमने लॉगिन अगर जब तुम लॉगिन करते हो तो उसके लिए तुमको यूज़र नेम पासवर्ड देना पड़ता है। तो उसमें जो पासवर्ड है वो एक्चुअली सिक्योरिटी के लिए होता है, ठीक है, ताकि कोई भी तुम्हारा सिस्टम को एक्सेस ना कर पाए। तो ये तो मैं जैसे ऐसे ही नॉर्मल एक कंप्यूटर सिस्टम का बात बोला, जैसे राउटर का भी बात वही होता है। जैसे राउटर में भी हम लोग क्या करते हैं, पासवर्ड सेट करके रखते हैं ताकि कोई भी राउटर को अननेसेसरली कोई भी यूज़र आके, कोई भी अनऑथोराइज यूज़र आके उसको एक्सेस ना कर पाए। क्योंकि अगर राउटर का एक्सेस किसी को मिल गया तो क्या कर सकते हैं, वो राउटर में कॉन्फ़िगरेशन को चेंजेस करते हुए पूरा का पूरा नेटवर्क का डाटा, नेटवर्क मतलब नेटवर्क पूरा यहाँ पे क्या कर सकता है, वो ख़राब कर सकता है, या तो नेटवर्क में ही वो क्या कर सकते हैं डाटा यहाँ से हैक कर सकता है, जो भी वो अलग बात है। लेकिन सिक्योरिटी के लिए हम लोग को राउटर को सेफ रखना पड़ता है, और राउटर को सेफ रखने का तरीका क्या होता है कि उसमें पासवर्ड असाइन करके रखना पड़ता है, ठीक है, ये बात भी सही है। चलो, और हम लोग को पता है राउटर में पासवर्ड कैसे असाइन करना है। तो हम लोग अभी कौन सा लेवल में है, प्रिविलेज लेवल 15। तो हम लोग करेंगे क्या यहाँ पे, ये जो लेवल हम लोग 15 में अभी आ चुके हैं, लेकिन देखो बिना कोई, जब हम लोग राउटर को एक्सेस कर रहे हैं यहाँ पे कोई पासवर्ड नहीं मांग रहा है, जैसे प्रिविलेज लेवल लेवल 1 हो या तो 15 हो, डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे आंसर इसको एक्सेस कर रहे हैं, इसके लिए कोई पासवर्ड नहीं मांगा जा रहा है। तो चलो हम लोग एक काम करते हैं, ये जो राउटर का प्रिविलेज लेवल 15 है इसके लिए एक पासवर्ड सेट कर लेते हैं ताकि कोई भी आकर राउटर को पासवर्ड प्रिविलेज लेवल 15 को एक्सेस ना कर पाए। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, इस राउटर का हम लोग पासवर्ड सेट करेंगे, ठीक है। तो पासवर्ड सेट करने के लिए यहाँ पे टाइप करेंगे conf space t एंड एंटर प्रेस करेंगे। conf space t ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म हो गया कॉन्फिगर एंड टर्मिनल, इसका ये फुल फॉर्म हो गया, ठीक है, लेकिन हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या लिख सकते हैं, conf space t, एंटर प्रेस करेंगे। तो अभी हम लोग कॉन्फिग मोड में आ चुके हैं। तो एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, राउटर में कुछ भी मॉडिफिकेशंस करना है, कुछ भी चेंजेस करना है, राउटर में पासवर्ड सेट करना है, उसके लिए पहले हम लोग को राउटर का कॉन्फ़िग मोड में जाना पड़ता है। तो वी आर इन कॉन्फ़िग मोड राइट नाउ, मतलब ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड में है हम लोग अभी। अभी यहाँ पे हम लोग राउटर का पासवर्ड सेट करेंगे, राउटर के लिए क्या करेंगे, पासवर्ड सेट करेंगे। तो मैं पासवर्ड सेट करता हूँ, मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, पासवर्ड सेट करने का कमांड हो गया एनेबल सीक्रेट, और उसके बाद तुम जो भी पासवर्ड देना है दे सकते हो। जैसे मैंने पासवर्ड दे दिया 1 2 3 4 5 दे दिया, चलो मैं अभी सिंपल पासवर्ड रखता हूँ, ठीक है। मैंने राउटर का क्या पासवर्ड दे दिया, सिंपल मैं 1 2 3 4 5 पासवर्ड यहाँ पे असाइन करता हूँ, मैंने एंटर करता हूँ। तो मैंने इस राउटर का प्रिविलेज लेवल 15 के लिए मैंने एक पासवर्ड सेट कर दिया जो कि 1 2 3 4 5 है। चलो यहाँ तक समझ में आ चुका है। अभी हम लोग बैक करते हैं, बैक करते हैं, कन्फिग मोड से हम लोग बाहर जाते हैं एग्जिट कमांड को टाइप करते हुए। देखो हम लोग बैक टू प्रिविलेज मोड में आ चुके हैं, और यहाँ से भी अगर मुझे बाहर जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मतलब मुझे अगर कंसोल में जाना है, यहाँ पे आना है, इस प्रॉम्प्ट में मुझे आना है, तो मुझे टाइप करना पड़ेगा डिसएबल, DISABLE डिसएबल, एंटर प्रेस करेंगे। तो देखो अभी हम लोग कहाँ पे आ चुके हैं, कंसोल पे आ चुके हैं। तो अभी जब हम लोग कंसोल पे पहुँचते हैं तो वो अपने आप से वो प्रिविलेज लेवल क्या होता है उसका, 1 होता है। मैं फिर से कमांड टाइप करता हूँ शो प्रिव, एंड देखो प्रिविलेज लेवल 1, क्योंकि मैं अभी कंसोल में आ चुका हूँ, और कंसोल में आने का मतलब क्या है कि मैं प्रिविलेज लेवल बाय डिफॉल्ट में जो 1 होता है उसी में हम लोग हैं। लेकिन अभी फिर से मैं क्या करूँगा, एनेबल टाइप करते हुए मैं एंटर प्रेस करूँगा, तो मैं कहाँ चला जाऊँगा, फिर से प्रिविलेज लेवल 15 में चला जाऊँगा। जब मैं प्रिविलेज लेवल 15 में चला जाऊँगा, इस टाइम मुझे पासवर्ड मांगा जाएगा, क्योंकि मैंने थोड़ा देर पहले प्रिविलेज लेवल 15 के लिए पासवर्ड सेट कर दिया है। तो मैं एंटर प्रेस करता हूँ, देखो यहाँ पे अभी पासवर्ड मांग रहा है, तो मैं पासवर्ड जो सेट किया था 1 2 3 4 5 मैंने दे दिया एंटर प्रेस करते हुए। और इस बार मैं फिर से इसका प्रिविलेज लेवल तुमको चेक करके दिखाता हूँ क्या है, प्रिविलेज लेवल 15। तो अभी तक तुम लोग को ये समझ में आ चुका है कि प्रिविलेज लेवल 1 एंड 15 होता है बाय डिफॉल्ट में, कंसोल में जब रहते हो तो वह 1 में ही प्रिविलेज लेवल 1 ही होता है, और जब एनेबल प्रेस करते हुए हम लोग कन्फिग में चले जाते हैं या तो प्रिविलेज मोड में चले जाते हैं तो उसका प्रिविलेज लेवल क्या होता है, हम लोग कौन सा प्रिविलेज लेवल का एक्सेस मिलता है, हम लोग को प्रिविलेज लेवल 15 का एक्सेस मिलता है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रिविलेज लेवल 15 के लिए एक पासवर्ड सेट कर दिया जो कि 1 2 3 4 5 है, ताकि अभी क्या होगा, अभी इस राउटर को कोई भी प्रिविलेज लेवल 15 में एक्सेस नहीं कर पाएगा जब तक उसको पासवर्ड पता ना हो, अगर पता हो तो वो एक्सेस कर पाएगा। तो ये एक तरह से तुमने अपना राउटर को एक तरह से पासवर्ड असाइन करते हुए थोड़ा बहुत तुमने सिक्योर कर दिया, ये सिक्योर हो चुका है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात ये, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, एक्चुअली हम लोग का आज का टॉपिक है पासवर्ड देना नहीं है, हम लोग का टॉपिक है प्रिविलेज लेवल। हम लोग समझते हैं प्रिविलेज लेवल क्या है। तो प्रिविलेज लेवल 1 एंड 15 ये दोनों में फ़र्क है, क्या फ़र्क है, देखो प्रिविलेज लेवल 15 में हम लोग राउटर का पूरा कंट्रोल मिल जाता है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे तुम कभी कंप्यूटर सिस्टम में लॉगिन करते हो, कंप्यूटर सिस्टम में तुमको पता है एडमिनिस्ट्रेटर नाम से एक यूज़र अकाउंट होता है, और उस यूज़र अकाउंट से तो अगर तुम सिस्टम में लॉगिन करोगे तो तुमको पूरा सिस्टम का सिस्टम के ऊपर तुमको पूरा कंट्रोल मिलता है। तुम मतलब सिस्टम में कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड, सेटिंग रिलेटेड कुछ भी मॉडिफिकेशंस कर सकते हो, बिकॉज यू आर एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दैट सिस्टम।
एंड अगर तुम कोई दूसरा यूज़र अकाउंट से उसी सिस्टम में लॉग इन करते हो तो तुमको पूरा फुल कंट्रोल नहीं मिलता है सिस्टम के ऊपर, क्योंकि बाकी यूज़र को सिस्टम के ऊपर फुल कंट्रोल परमिशन दिया नहीं जाता है। ओनली एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र अकाउंट को ही किसी कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर फुल परमिशन दिया जाता है, फुल कंट्रोल दिया जाता है। ये मैं बात बोल रहा हूँ विंडोज़ का, विंडोज़ सिस्टम का। अगर तुम इसके सेम अगर बात बोलो तो लिनक्स का अगर बात बोलो तो उसमें रूट यूज़र अकाउंट होता है। चलो यहाँ पे ये तो विंडोज़ और लिनक्स का बात नहीं हो रहा है, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं राउटर का। तो राउटर में भी ये जो प्रिविलेज लेवल, यहाँ पे क्या है यूज़र नहीं, यहाँ पे क्या है लेवल। अभी राउटर में क्या है प्रिविलेज लेवल 15 जो है, इसमें जब हम लोग लॉगिन करते हैं, मतलब इसमें जब हम लोग राउटर को एक्सेस करते हैं, तो मतलब क्या है कि राउटर में हम लोग फुल, राउटर के ऊपर मेरा फुल कंट्रोल आ चुका है। मैं मतलब राउटर में ऑल सेट ऑफ कमांड में रन कर सकता हूँ, मतलब जो जो कमांड यहाँ पे इस राउटर में मतलब सपोर्ट करता है वो सब कमांड में इसमें रन कर सकता हूँ। इस प्रिविलेज लेवल 15 में अगर मैं हूँ तो मैं राउटर में ऑल सेट ऑफ कमांड क्या कर सकता हूँ, रन कर सकता हूँ। लेकिन प्रिविलेज लेवल 1 में मैं ऑल सेट ऑफ कमांड्स को रन नहीं कर सकता। मैं हल्का सा तुम लोग एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ। देखो अभी मैं प्रिविलेज लेवल 15 में, नो डाउट प्रिविलेज लेवल 15 में हम लोग हर कमांड को रन कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से बाहर जाता हूँ क्योंकि हर कमांड को रन कर ही सकते हैं यहाँ पे, इसे कोई इसका दिखाने की जरूरत ही नहीं है। मैं तुम लोग को दिखाऊंगा प्रिविलेज लेवल 1 में जाते, उससे पहले मैं यहाँ पे ये दिखा दूँ। देखो प्रिविलेज लेवल 15 में जब मैं हूँ तो मैं यहाँ पे कॉन्फ्टी कमांड टाइप कर रहा हूँ। क्या कमांड है? कॉन्फ्टी। और कॉन्फ्टी कमांड का काम क्या है, मैंने थोड़ा देर पहले तुमको बोला था कि इस कमांड से हम लोग कॉन्फिग मोड में जाते हैं। तो प्रिविलेज लेवल 15 में मैं कॉन्फ्टी कमांड टाइप करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, काम कर रहा है, मतलब हम लोग कॉन्फिग मोड में आ चुके हैं। ये कौन सा मोड में, हम लोग 15 लेवल में है, और 15 लेवल में हम लोग कॉन्फ्टी टाइप करते हुए कॉन्फिग मोड में हम लोग आ सकते हैं, तो पॉसिबल है। चलो अभी हम लोग, मैं यहाँ से बैक करता हूँ, एग्जिट प्रेस करते हुए, और फिर से मैं यहाँ से डिजेबल करते हुए यहाँ से एकदम बाहर चला जाता हूँ ताकि मैं कंसोल में आ जाऊँ। और कंसोल मतलब मैं कौन सा लेवल में हूँ, तुम लोग को पता है कंसोल मतलब मैं प्रिविलेज लेवल अभी 1 में हूँ, ठीक है। और इस लेवल में, इस प्रिविलेज लेवल 1 का जब मुझे एक्सेस मिल रहा है राउटर का, तब मैं यहाँ पे कॉन्फ्टी कमांड टाइप कर रन कर सकता हूँ कि नहीं सकता हूँ। अभी देखो मैं कॉन्फ्टी मैंने टाइप किया, और इस लेवल में मैं अगर मतलब राइट नाउ आई मीन प्रिविलेज लेवल 1, और प्रिविलेज लेवल 1 में मैं देखो कॉन्फ्टी कमांड टाइप कर रहा हूँ और एंटर प्रेस कर रहा हूँ, देखो क्या आ रहा है, इनवैलिड इनपुट। मतलब इस लेवल में मैं कॉन्फ्टी कमांड नहीं कर सकता हूँ, टाइप नहीं, यूज़ नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि प्रिविलेज लेवल 1 में इस कमांड का एग्जीक्यूशन अलाउड नहीं है, ठीक है। तो अगर मुझे इस कमांड को रन करना है तो मुझे प्रिविलेज लेवल 15 में जाना पड़ेगा। और 15 में कैसे जाऊंगा मैं, जस्ट सिंपली एनाबल कमांड टाइप करते हुए, एनाबल कमांड टाइप करते हुए मैं अगर एंटर प्रेस कर दूं तो मैं चला जाऊंगा प्रिविलेज लेवल 15 में। फिलहाल मैंने पासवर्ड लेकर रखा है, इसलिए यहाँ पे पासवर्ड मांगा जा रहा है, एंटर। और देखो यहाँ पे अगर मैं कॉन्फ्टी टाइप करूं तो कॉन्फ्टी कमांड यहाँ पे काम कर रहा है। चलो यहाँ तक समझ में आ चुका है, मैं बैक करके फिर से बाहर जाता हूँ। अभी दो तीन बातें तुमको मैं और बोल रहा हूँ। देखो अभी फिर से मैं यहाँ पे डिजेबल करके बाहर जाता हूँ, कंसोल में जाता हूँ। तो अभी मैं कहाँ पे हूँ, शो प्रिविलेज करके दिखाऊँ, फिर से वही मैं, मेरा प्रिविलेज लेवल कौन सा है अभी, 1 है। अभी देखो जब हम लोग प्रिविलेज लेवल 1 में, बाय डिफॉल्ट में तो ये प्रिविलेज लेवल 1 में होता है, ये जब राउटर को एक्सेस करोगे तो कॉमन बात है, अभी सबको पता चल चुका है तुम लोगों को। अभी जब हम लोग एनाबल टाइप करते हैं तो एनाबल एक्चुअली हम लोग ओनली एनाबल टाइप करके हम लोग क्या करते हैं, जब एंटर करते हैं तो हम लोग कहाँ चले जाते हैं, प्रिविलेज लेवल 15 में। ये एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म है, इस एक्चुअली होता क्या है, एनाबल 15, मतलब हम लोग एनाबल 15 ला लिख के ओनली एनाबल लिखो तो मतलब वही होता है, मतलब क्या एनाबल 15 होता है। मैं अगर एनाबल 15 लिखूं, देखो सेम मीनिंग आएगा, एंटर प्रेस करता हूं, ठीक है, पासवर्ड मांग रहा है 1 2 3 4 5, एंटर। अभी देखो शो प्रिविलेज लेवल, देखो क्या है लेवल 15, मतलब क्या है ओनली एनाबल लिख के तुम प्रिविलेज लेवल 15 में जा सकते हो, या तो एनाबल 15 लिख के हुए भी तुम प्रिविलेज लेवल 15 में जा सकते हो। इसीलिए हम लोग यहाँ पे हम लोग शॉर्ट तरीका अप्लाई करते हैं कि बार बार मुझे 15 लिखना जरूरत नहीं है, कि मैं ओनली एनाबल लिखूँ तो भी मीनिंग वही है। ओनली एनाबल लिखने का मतलब यही है कि हम लोग 15 लेवल में जा रहे हैं। हाँ अभी तुमको चाहिए कि लेवल, क्योंकि मैंने बोला था कि यहाँ पे लेवल 1 एंड 15 तो बाय डिफॉल्ट में होता है। अगर लेवल 1 जो कि कंसोल मोड में तुमको उसको लेवल 1 का एक्सेस मिलता है, और अगर तुम एनाबल प्रेस कर दो तुमको 15 लेवल का एक्सेस मिलता है। लेकिन उसके अलावा और भी जो 2 to 14 वाला लेवल है वो कहाँ गया, उसका एक्सेस मुझे कैसे मिलेगा? तो बाकी लेवल में तुमको अगर एक्सेस लेना है, बाकी लेवल का अगर तुमको एक्सेस लेना है तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे एनाबल 15 तो बाय डिफॉल्ट में होता है, बिन एनाबल लिखते हुए कुछ नंबर ना लिखो तो वह बाय डिफॉल्ट में 15 लेवल में चला जाएगा।
और अगर मैं एनाबल लिखने के बाद 2 या 3 या 4 अप टू 14 तक कुछ भी टाइप करूँ तो मेरा सिस्टम मुझे कहाँ, मुझे उस लेवल का मुझे एक्सेस मिलेगा। तो मैंने अगर एनाबल 2 लिखा तो इसका मतलब क्या है, मुझे एनाबल प्रिविलेज लेवल 2 का मुझे एक्सेस मिलेगा। बट इस बार यहाँ पे ये कमांड काम नहीं करेगा, मैं एंटर प्रेस करके दिखाता हूँ। देखो क्या बोल रहा है, नो पासवर्ड सेट, मतलब 2 से लेके 14 तक ये लेवल तो है, लेकिन इन लेवल का एक्सेस लेने के लिए मुझे पहले इन लेवल्स का मुझे पासवर्ड सेट करना होगा। तो मैंने एनाबल 2 तो लिखा, अंदर नहीं जा पा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मैंने पहले उसको मुझे क्या करना होगा, उस लेवल के लिए, वो जो लेवल 2 है उसके लिए मुझे पहले पासवर्ड सेट करना होगा, इसलिए बोला जा रहा है यहाँ पे नो पासवर्ड सेट। तो अभी मैं कहाँ पे हूँ राइट नाउ, अभी स्टिल मैं कहाँ पे हूँ, लेवल 1 पे हूँ, शो प्रिविलेज लेवल 1 पे हूँ। तो मुझे करना क्या, एनाबल 2 मतलब लेवल प्रिविलेज लेवल 2 का मुझे यूज़ करना है, एक्सेस लेना है। तो मुझे उससे पहले प्रिविलेज लेवल 2 के लिए पासवर्ड सेट करना है। तो मैं कैसे सेट करूँगा, देखो प्रिविलेज लेवल 15 जो होता है उसको तो फुल पावर रहता है, उसका फुल कंट्रोल रहता है, वो कुछ भी कर सकता है। इसीलिए हम लोग पहले प्रिविलेज लेवल 15 में जाएंगे और उसमें जाने के बाद ही ये लेवल 2 के लिए, प्रिविलेज लेवल 2 के लिए हम लोग पासवर्ड सेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं एनाबल प्रेस करते हुए एंटर प्रेस करता हूँ, मतलब हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं, प्रिविलेज लेवल 15 में जा रहा है। मैं फिर से दिखा दूँ, शो PRIB, अभी मैं कहाँ पे हूँ, 15 में, और इसी लेवल में रहते हुए मैं क्या करूँगा, लेवल 2 के लिए पासवर्ड सेट करूँगा, क्योंकि ये इस लेवल में मुझे फुल कंट्रोल मिलता है। तो मैं पासवर्ड सेट करने के लिए किसके लिए, प्रिविलेज लेवल 2 के लिए मैं टाइप करूँगा conft, क्योंकि कुछ भी अगर राउटर में कॉन्फ़िगरेशन या तो मॉडिफिकेशन या तो चेंजेस करना है तो सबसे पहले हम लोग को conft कमांड टाइप करते हुए कॉन्फ़िग मोड में जाना पड़ता है। तो मैं प्रिविलेज लेवल का एक्सेस लेते हुए कॉन्फ़िग मोड में जा रहा हूँ। अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, वो लेवल 2 जो है, प्रिविलेज लेवल 2 जो है उसके लिए मैं पासवर्ड सेट करूंगा। तो कैसे करूंगा, कमांड हो गया इसका प्रिविलेज, कमांड हो गया इसका प्रिविलेज, उसके बाद लिखना पड़ेगा लेवल प्रिविलेज, उसके बाद मुझे लिखना है, हाँ, प्रिविलेज लेवल, प्रिविलेज लेवल, उसके बाद लिखना है मुझे लेवल का नेम देना है, लेवल क्या है, 2 है, एक सेकेंड, प्रिविलेज, सॉरी यहाँ पे प्रिविलेज लेवल नहीं लिखना है मुझे, मुझे यहाँ पे लिखना है एनाबल, ठीक है, मुझे क्या लिखना है, एनाबल लिखना है, मैंने कमांड गलत दिया था। उसके बाद लिखना है सीक्रेट, उसके बाद मुझे लिखना है एनाबल सीक्रेट, उसके बाद मुझे लिखना है लेवल, जिस लेवल के लिए मुझे पासवर्ड देना है, कौन सा लेवल के लिए, 2 के लिए। देखो क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे अभी ये जो कमांड टाइप कर रहा हूँ ये क्या, प्रिविलेज लेवल 2 के लिए मैं पासवर्ड सेट कर रहा हूँ। तो पुराना वाला कमांड मेरा गलत था, ये नहीं था, एक्चुअली ये होगा, कमांड क्या है, एनाबल सीक्रेट लेवल 2 और उसके बाद 0 देते हुए एक पासवर्ड दे दो। मैं ये पासवर्ड इसे मैं दे दिया 1 2 3, चलो ये हो गया पासवर्ड, ये क्या है, ये एक्चुअल पासवर्ड है, ठीक है, जीरो पासवर्ड नहीं है, मतलब क्या है कि एनाबल सीक्रेट लेवल 2, लेवल 2 के लिए पासवर्ड सेट करो और पासवर्ड क्या होगा, 1 2 3, एंटर प्रेस करते हैं, चलो हो गया, लेवल 2 के लिए हम लोगों ने पासवर्ड सेट कर दिया। बस यही लाइन हम लोग टाइप करना है, ये सब नहीं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये गलत हुआ है, ठीक है, बस यही लाइन से मेरा पासवर्ड सेट हो जाएगा लेवल 2 के लिए। उसी तरह अगर तुमको बाकी लेवल के लिए भी पासवर्ड सेट करना है, जैसे मैं यहाँ पे लेवल 3 समझ लो, लेवल 3 के लिए मैं पासवर्ड सेट कर रहा हूँ, तो इसका मैंने 1, इसका मैंने 3 2 1 कर दिया, ऐसे बाकी सब लेवल का भी तुम ऐसे ही पासवर्ड सेट कर सकते हो। चलो फिलहाल मैंने यहाँ पे लेवल 2 एंड लेवल 3 के लिए पासवर्ड सेट कर दिया। अच्छा अभी मतलब क्या है कि हम लोग लेवल 2 का एक्सेस ले सकते हैं, क्योंकि लेवल 2 एंड 3 का एक्सेस ले सकते हैं, क्योंकि लेवल 2 एंड 3 के लिए हम लोगों ने पासवर्ड सेट कर दिया। चलो यहाँ से बाहर जाएंगे और हम लोग वही फिर से यहाँ से डिसेबल करेंगे और फिर क्या करेंगे, अभी फिर से एनाबल्ड कमांड, अभी मैं कहाँ पे हूँ, जब हम लोग कंसोल में रहते हैं बाय डिफॉल्ट में वो कौन सा प्रिविलेज लेवल होता है, वो 1 होता है। अभी मैं एनाबल प्रेस, एनाबल लिख के मैं क्या लिखूंगा, एनाबल लिखते हुए मैं क्या लिखूंगा, 2 या तो 3 लिखूंगा, क्योंकि वो दोनों के लिए मैंने पासवर्ड सेट किया है। अगर कुछ ना लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट में एनाबल 15 में चला जाएगा, वो लेवल 15 में चला जाएगा, लेकिन मुझे 15 में जाना नहीं है, मुझे जाना है अभी 2 में। सो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा एनाबल 2, एंटर। अभी देखो पासवर्ड मांग रहा है, अभी मुझे नहीं बोल रहा कि नो पासवर्ड से, अभी पासवर्ड मांग रहा है क्योंकि मैंने पासवर्ड सेट कर दिया ऑलरेडी, और पासवर्ड क्या है, 1 2 3 दिया और एंटर प्रेस करता हूँ। अभी मैं कहाँ पे आ चुका हूँ, अभी मैं प्रिविलेज लेवल 2 पे आ चुका हूँ। प्रूफ कैसा होगा, देखो हम लोग शो PRIV कमांड टाइप करके देखें, शो PRIV कमांड हम लोग को यही बोलता है कि अभी हम लोग राइट नाउ कौन सा लेवल में है। तो मैं एंटर प्रेस करता हूँ, देखो करंट प्रिविलेज लेवल इज 2 बोल रहा है, मतलब अभी हम लोग प्रिविलेज लेवल 2 में हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बाकी लेवल में भी जा सकते हैं, बस वही बाकी लेवल में जाने के लिए, बाकी मीन्स 2 से लेके 14 उनमें जाने के लिए उन सब का पासवर्ड पहले हम लोग को सेट कर लेना पड़ता है। तो मैंने तुमको सिखा दिया कैसे सेट करना है। अभी ये लेवल 2 से 14 में होता क्या है, देखो ये सब लेवल जो है, ये सब लेवल तुम कस्टम लेवल है, ये सब लेवल को तुम
मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी एक एग्जांपल मैं तुमको दे रहा हूँ, समझ लो ये जो राउटर है, देखो राउटर जो है ये तो कंपनी का एक राउटर है, समझ लो कोई कंपनी का एक राउटर है, और उस राउटर में क्या करना है, किसी भी जो भी नेटवर्क इंजीनियर होगा उसको काम करना पड़ता है राउटर में जाकर, उसको कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करना पड़ता है, सेटिंग्स करना पड़ता है, ठीक है। अभी जो राउटर है देखो, राउटर में अगर थोड़ा बहुत अगर किसी ने भी कमांड का इधर उधर कर दिया, हेरा फेरी कर दिया, तो उससे क्या हो सकता है, पूरा का पूरा नेटवर्क का तुम्हारा, कंपनी का नेटवर्क फेल हो सकता है, या तो मतलब एक मेजर तुम्हारा यहाँ पे लॉस हो सकता है कंपनी के लिए, अगर हल्का सा भी तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन मिस कॉन्फ़िगरेशन हो गया, क्योंकि मिस कॉन्फ़िगरेशन मिस हुआ नेटवर्क खराब हो जाएगा, पूरा नेटवर्क तुम्हारा फेल हो जाएगा, और नेटवर्क फेल में कंपनी का लॉस। इसीलिए ये सब बातों में बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव बातें होता है कि राउटर का कॉन्फ़िगरेशन का, राउटर का को जो काम है उस काम को करने के लिए किसी को भी ये राउटर का काम करने का मतलब अलाउ नहीं है, ठीक है। तुमको पता है, तुम राउटर के बारे में तुम्हारा अच्छा खासा नॉलेज है, लेकिन तुम ट्रस्टेड पर्सन नहीं हो, तुमको दिया नहीं जा सकता है, ठीक है, राउटर को, मतलब राउटर में समझ लो एक 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 कंपनी चल रहा है, उसका एक राउटर है, और उसमें ऑलरेडी जो IT इंजीनियर लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है, और कल कोई नया एक इंजीनियर आ गया और उसको उसी कंपनी में जॉब मिला, और उसको क्या राउटर में कुछ करने का जरूरत पड़ गया, समझ लो, ठीक है। तो उसको जब राउटर का एक्सेस दिया जाएगा, वो जो नया इंजीनियर है जो नया नया कंपनी में आया है, और राउटर का जब उसको एक्सेस कुछ काम करने के लिए बोला जाएगा, मतलब कुछ राउटर में उसको कुछ करना है, तो जब राउटर में वो कुछ करेगा तो उसको क्या, उसको फुल राउटर का फुल एक्सेस दिया जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि इसके रिस्की मैटर है, ठीक है। तो उसको राउटर का जस्ट बेसिक दो मतलब एकदम लिमिटेड एक्सेस दिया जाएगा, ताकि जो काम उसको बोला गया है, जो एक्टिविटी उसको करने के लिए बोला गया है, बस वही एक्टिविटी वही काम वो राउटर में कर पाए, उसके अलावा राउटर में इधर उधर कुछ ना कर पाए। तो राउटर का यूज़ जब हम लोग किसी को करने देंगे, तो उसको हम लोग राउटर का फुल एक्सेस से नहीं देंगे, लिमिटेड एक्सेस से देंगे, ताकि उसको जो काम है वही काम वो वहाँ पे करे, समझ लो। किसी को मुझे राउटर का अच्छा ये तो समझ में आ चुका है तुम लोग यहाँ तक बातें। अभी हम लोग चलो देखते हैं आगे क्या होता है। अभी इस लेवल में देखो, ये जो कन्फिग, ये जो लेवल टू है, अभी कहाँ पे हम लोग लेवल टू में, और लेवल टू में हम लोग देखते हैं लेवल टू में कॉन्फ टी वाला कमांड काम करता है कि नहीं करता है। मैं यहाँ पे कॉन्फ स्पेस टी टाइप करता हूँ, देखो क्या बोल रहा है, इनवैलिड इनपुट। क्यों? क्योंकि अभी मेरे प्रीवियस लेवल टू में हो, प्रीवियस लेवल टू में भी तुमको इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन लेवल, कॉन्फ़िगरेशन से जुड़ा हुआ कोई भी कमांड एग्जीक्यूट करने का अलाउड नहीं, यहाँ पे परमिशन नहीं दिया गया है इस लेवल को, सिर्फ 15 को ही है ये सब बाय डिफॉल्ट में, ठीक है, बाय डिफॉल्ट में। तो लेवल टू को क्या, तो लेवल टू में आके क्या कोई क्या कर सकता है, कुछ बेसिक काम कर सकता है, जैसे पिंग कर सकता है, जैसे कोई दूसरा डिवाइस को, जैसे राउटर से किसी दूसरे डिवाइस को पिंग करना है वो कर सकता है, ठीक है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे पिंग वगैरह का नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी सिंगल राउटर लेके बैठा हुआ हूँ, और इसमें मैं किसी डिवाइस को, दूसरे डिवाइस को मैंने कनेक्ट नहीं किया, तो पिंग यहाँ पे काम नहीं करेगा। हाँ जस्ट मैं पिन इसका लूप बैक आईपी को पिंग कर सकता हूँ। फिलहाल तुम जस्ट जान लो कि यहाँ पे पिंग कमांड को हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं अगर पिंग, इसे मैं अगर टाइप करूँ पिंग, ठीक है, और मैंने इसे ही टाइप कर दिया यहाँ पे, पिंग लिखने के बाद मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, समझ लो कि 127.0.0.1, एंटर प्रेस किया। देखो पिंग कमांड काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे अनरिकॉग्नाइज होस्ट एड्रेस, बस इसका बात बोल रहा है, लेकिन पिंग काम कर रहा है, ऐसा नहीं बोल रहा है कि इनवैलिड इनपुट, ऐसा नहीं बोल रहा है, अनरिकॉग्नाइज होस्ट बोल रहा है। इसका मतलब क्या है कि पिंग कमांड यहाँ पे काम कर रहा है, बस ये एड्रेस मैंने गलत दिया इसलिए। तो मतलब ये है कि पिंग यहाँ पे काम करेगा। तो इस तरह से फ्यू लिमिटेड कमांड का ही यहाँ पे एक्सेस दिया जाएगा, जिन कमांड का एक्सेस दिया जाएगा उस कमांड के हेल्प से, उस कमांड के मदद से लेवल टू में कोई भी राउटर में कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता है। कुछ बेसिक एक्टिविटी करने के लिए कुछ कमांड का एक्सेस दिया जाता है, ठीक है। अभी चलो मैं हम लोग समझ चुके हैं कि ये लेवल टू में, लेवल वन, तो लेवल वन में भी तुम्हारा लिमिटेड एक्सेस होता है, और बाकी लेवल में भी तुम्हारा 2 से लेकर 14 तक, उसमें भी तुमको राउटर का लिमिटेड एक्सेस ही मिलेगा, फुल एक्सेस नहीं मिलेगा। अभी मैं चाहता हूँ ये जो लेवल टू है, ये लेवल टू को मैं किसी यूज़र को इस लेवल टू में लॉग इन करने को मैं दूँ, और उसको मैं एक बस एक ही कमांड रन करने को मैं अलाउ करूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि उसको कुछ मैं कमांड रन करने को मैं अलाउ करना चाहता हूँ कि वो लेवल टू में लॉगिन करे, और बस उसको मैं राउटर में एक या दो कमांड को जो भी हो मैं चाहता हूँ उन कमांड को रन करने का मुझे उसको अलाउ करना है। फिलहाल यहाँ पे बाय डिफॉल्ट में ये कोई भी इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड यहाँ पे कमांड ये रन नहीं कर पाएगा लेवल टू में, ठीक है। चलो तो मैं यहाँ से डिजेबल करता हूँ, मैं डिजेबल करते हुए बाहर जा रहा हूँ। अभी मैं कहाँ पे हूँ, जब भी हम लोग कंसोल में आते हैं बाय डिफॉल्ट में वो कौन सा लेवल होता है, लेवल वन। तो अगर मुझे किसी पर्टिकुलर लेवल में जाना है तो एनाबल लिखते हुए बस उस लेवल का नाम टाइप करना है, नंबर टाइप करना है 3, क्योंकि मैंने 3 को भी पासवर्ड दिया था, इसलिए 3 का पासवर्ड 321 है। और मैं यहाँ पे देखो शो प्रिविलेज लेवल करके दिखाता हूँ तुमको, मैं अभी लेवल में 3 में हूँ, ठीक है। ये तो कॉमन बात है, जैसे मैंने 2 को दिया था वैसे मैंने 3 का दिखा दिया।
अच्छा अभी मैं यहाँ से फिर से एग्जिट करते हुए बाहर जा रहा हूँ डिजेबल करते हुए, और मैं अभी कहाँ पे आ चुका हूँ, शो प्रिविलेज लेवल करके देखो, अभी लेवल वन में हो। चलो मैं एनेबल प्रेस करते हुए डायरेक्ट एंटर प्रेस करता हूँ टाइप करते हुए, तो डायरेक्ट अगर बिना कुछ नंबर टाइप किया एनेबल एनेबल टाइप करके अगर बिना कोई नंबर देते हुए तुम एंटर प्रेस कर दोगे तो तुम कहाँ पर चले जाओगे, 15 पे, और 15 का पासवर्ड मैं दे रहा हूँ 1 2 3 4 5। तो मैं एक बार तुमको यहाँ पे शो प्रिविलेज करके दिखाता हूँ, अभी देखो 15 पे आ चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ से शायद थिंक तुम लोग समझ में आ चुका होगा। अभी जो हम लोग करने वाला है क्या, अभी वो जो लेवल 2 या तो लेवल 3 जो भी हो, तुम चाहते हो कि लेवल 2 के लिए एक 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 स्पेसिफिक कमांड को रन करने का तुम उसको अलाउ करना चाहते हो। लास्ट टाइम जैसे हम लोग, चलो यही काम करते हैं, जैसे लास्ट टाइम लेवल 2 को क्या कॉन्फ्टी कमांड रन करने का परमिशन नहीं था, तो हम लोग चाहते हैं कि लेवल 2 को ये कॉन्फ्टी कमांड रन करने का परमिशन दिया जाए। तो परमिशन देने का काम कहाँ से करेंगे, 15 से करेंगे, क्योंकि 15 को तो फुल कंट्रोल है। तो जो भी किसी को परमिशन देना है, किसी से परमिशन हटाना है, सब काम 15 से ही होगा, ठीक है। चलो हम लोग 15 में चलते हैं, ऑलरेडी हम लोग 15 में हैं। यहाँ पे वही कॉन्फ्टी में जाएंगे, जैसे मैंने पहले बोला कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन करना हो, चेंजेस करना हो तो कॉन्फ्टी में टाइप करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेवल 2 को हम लोग कॉन्फ्टी कमांड टाइप रन करने के लिए उसको हम लोग अलाउ करेंगे। तो कैसे करेंगे, उसके लिए कमांड टाइप करना है मुझे प्रिविलेज, उसके लिए कमांड टाइप करना है प्रिविलेज, उसके बाद लिखेंगे एक्सेक प्रिविलेज, एक्सेक ये हो गया कमांड। इस कमांड की मदद से हम लोग लेवल 2 को कॉन्फ्टी कमांड रन करने का परमिशन देंगे, प्रिविलेज एक्सेक। उसके बाद लेवल का नाम देना पड़ेगा, कौन सा लेवल, 2 लेवल को देंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग क्या कमांड रन करने का उसको परमिशन देंगे, मैं चाहता हूँ कि वो कॉन्फ्टी वाला कमांड रन कर पाए, एंटर प्रेस करते हैं। बस इतना सा ही कमांड एक ही लाइन में हो जाएगा, ये सब जस्ट तुम्हारा शॉर्ट कमांड ये सब पूरा नहीं है, यहाँ पे ये फुल कमांड है कि प्रिविलेज एक्सेक लेवल 2 कॉन्फ्टी, मतलब लेवल 2 को कॉन्फ्टी कमांड रन करने का परमिशन दे दिया जाए। तो दे दिया गया, यहाँ पे हो गया। अभी यहाँ से हम लोग एग्जिट करते हैं, वेरीफाई करते हैं। चलो मैं फिर से अभी डिजेबल करते हुए मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, मैं फिर से जा रहा हूँ अभी अच्छा हाँ, मैं इनेबल करते हुए फिर से कहाँ जाऊँगा, अभी लेवल 2 में जाऊँगा, लेवल इनेबल। तो ये अभी हम लोग कहाँ पे आ चुके हैं, अभी ये उसका पासवर्ड हो गया 1 2 3 लेवल का। यहाँ पे मैं तुमको इसका प्रिविलेज करते हुए इसका लेवल दिखा दूँ, अभी लेवल कहाँ पे, हम लोग 2 पे हैं। चलो अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे कॉन्फ्टी कमांड काम करता है कि नहीं करता है, कॉन्फ स्पेस टी एन एंटर, देखो काम कर गया, यहाँ पे कॉन्फ्टी इसको अलाउ दे दिया गया, तो इसलिए अभी ये कॉन्फ्टी रन कर पा रहा है। लेकिन कॉन्फ्टी का अलाउ तो दे दिया गया, लेकिन इसके बाद देखो क्या होता है, इसके बाद ये होता है तुम्हारा कि कॉन्फ्टी में आने के बाद जैसे अभी फर्दर और क्या कमांड है, जैसे कॉन्फ्टी में आने के बाद जैसे समझ लो यहाँ पे और एक कमांड है राउटर RIP, ये और एक कमांड है, ठीक है, ये और एक कमांड है। तो कॉन्फ्टी देखो राउटर में कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन करना है तो सबसे पहले तो कॉन्फ़िग मोड में जाना ही होता है, और कॉन्फ़िग मोड में जाने के लिए कमांड क्या है, कॉन्फ्टी। तो राउटर को हम लोगों ने कॉन्फ़िग प्रिविलेज लेवल 2 को हम लोगों ने कॉन्फ़िग मोड में जाने के लिए परमिशन दे दिया कॉन्फ्टी कमांड रन करने का, तो वो तो कॉन्फ़िग मोड में आ चुका है। लेकिन कॉन्फ़िग मोड में आके अभी करेगा क्या, कुछ तो कुछ सेटिंग करेगा, कुछ मॉडिफाई करेगा प्रिविलेज लेवल 2, तो क्या करेगा समझ लो, वो राउटर में RIP अप्लाई करना चाहता है। अभी ये राउटर RIP तुम लोग का टॉपिक नहीं है, जस्ट मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ये और एक कमांड है जो कि कॉन्फ़िग मोड के आने के बाद ही होता है, ये कमांड रन होता है। तो कॉन्फ़िग मोड में आने के बाद जब कोई यूज़र इस तरह से लेवल 2 में अगर राउटर RIP कमांड टाइप करेगा तो क्या बोल रहा है, देखो इनवैलिड इनपुट, मतलब ये बात है कि ऐसा नहीं है कि कॉन्फ़िग मोड का मैंने उसको परमिशन दे दिया तो वो कुछ भी कमांड रन कर पाएगा, ऐसा नहीं है। कॉन्फ़िग मोड में तो बहुत सारा हंड्रेड्स ऑफ कमांड कोई होता है, कॉन्फ़िग मोड में जाते हुए हम लोग हंड्रेड्स ऑफ कमांड को रन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अदर लेवल को क्या कॉन्फ़िग मोड में जाने के बाद भी अगर कोई दूसरा कमांड और भी अगर कमांड उसको रन करना है तो उसके लिए भी उसको परमिशन लेना पड़ेगा। वो तो जस्ट अभी कॉन्फ़िग मोड में जस्ट आप आएगा, लेकिन यहाँ पे आके भी कुछ नहीं कर पाएगा जब तक उसको उस पर्टिकुलर टास्क काम करने के लिए जो कमांड है उसका परमिशन ना दिया जाए। तो चलो हम लोग उसको ये राउटर RIP वाला कमांड रन करने का परमिशन कैसे देना है वो हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फिर से इसका बाहर जाते हैं, तो बाहर जाने के लिए एग्जिट, फिर इसमें हम लोग टाइप करेंगे डिजेबल और एनेबल प्रेस करते हुए कुछ ना लिखो तो बाय डिफॉल्ट में चला जाएगा 15, क्योंकि वो यही काम फिर से कहाँ से करना पड़ेगा, 15 से ही करना पड़ेगा। पासवर्ड मैंने दे दिया 1 2 3 4 5। अभी तुम यहाँ पे देखो उसका फिर से प्रिविलेज लेवल क्या है, 15 है, ठीक है, जस्ट वेट है, ओके। तो अभी हम लोग कहाँ पे, प्रिविलेज लेवल 15 पे, तो यहाँ पे फिर से हम लोग को कॉन्फ़िग मोड में जाना है क्योंकि मुझे लेवल 2 को राउटर RIP कमांड रन करने का मुझे परमिशन देना है। तो यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे इस बार प्रिविलेज कॉन्फ़िगर, ये टाइप करेंगे हम लोग इस बार प्रिविलेज क्या टाइप करेंगे, कॉन्फ़िगर, और उसके बाद यहाँ पे
हम लोग लेवल सेट करेंगे, लेवल किस कौन सा लेवल को देना है, मैं चाहता हूँ कि लेवल कौन सा है, लेवल हो गया 2 को देना है, ठीक है। तो मतलब अभी हम लोग प्रिविलेज कॉन्फ़िगर, पहले क्या लिखा था प्रिविलेज एक्सेक, अभी क्या लिखा प्रिविलेज कॉन्फ़िगर, ठीक है। तो मतलब कॉन्फ़िगर के अंदर जो भी कमांड होता है उसका अगर मुझे परमिशन देना है तो हम लोग दिखते हैं प्रिविलेज कॉन्फ़िगर। तो प्रिविलेज कॉन्फ़िगर, कॉन्फ़िगर के अंदर जो भी कमांड है उसका मुझे एक्सेस देना है, किसको, लेवल 2 को। और कौन सा कमांड का एक्सेस देना है, मुझे राउटर RIP वाला कमांड का एक्सेस देना है उसको, ठीक है, परमिशन देना है। तो प्रिविलेज कॉन्फ़िगर लेवल 2 राउटर RIP, इसका मतलब क्या है कि लेवल 2 को राउटर RIP कॉन्फ़िगर के अंदर जो राउटर RIP वाला कमांड है वो रन करने का परमिशन मिल गया। चलो यहाँ पे इसको वेरीफाई करते हैं, एग्जिट करते हुए यहाँ पे इसको डिसेबल कर लेते हैं, पहले यहाँ से बाहर निकल जाते हैं हम लोग, और ये फिर इसके बाद हम लोग इसको एनाबल करेंगे। इस बार एनाबल क्या देंगे, 2, मतलब हम लोग लेवल 2 में जा रहे हैं, पासवर्ड 1 2 3, ठीक है। एक बार इसका प्रिविलेज लेवल चेक कर लो, क्या है 2 है। चलो इस बार देखते हैं, कॉन्फ टी तो पहले से ही दिया हुआ है, ये तो रन हो जाएगा। अभी देखते हैं राउटर RIP यहाँ पे रन होता है कि नहीं होता है। देखो यहाँ पे राउटर RIP काम कर गया, ये मतलब एरर नहीं आया, ये काम कर गया, मतलब कि इसको ये कमांड का भी हम लोगों ने परमिशन दी। तो इस तरह से हम लोग बाकी लेवल जो है उन लेवल में इस तरह से जो कि बाय डिफॉल्ट में लिमिटेड एक्सेस रहता है उनमें जाके उन लेवल्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से सिलेक्टेड कमांड का एक्सेस दे सकते हैं, जो कि तुमको जैसे देना है, तुम जिस यूज़र को जो भी तुम कमांड का परमिशन देना चाहते हो तो इस तरह से तुम दे दो। और फिर तुम क्या करोगे, अभी जो समझ लो मैंने लेवल 2 एक बना लिया, और लेवल में क्या करूँगा, जो भी नया यूज़र आएगा मेरा, समझ लो जो भी नया यूज़र आके मेरा राउटर को हैंडल करेगा, मैं चाहता हूँ कि वो सिर्फ राउटर RIP वाला कमांड ही मेरे राउटर में काम करे, बाकी का उसका मेरा राउटर से कोई का मतलब नहीं है। तो मैंने एक लेवल बना दिया, उसमें ये कमांड उसको परमिशन दे दिया, और उसको मैंने बोला कि जब भी वो लॉगिन करे लेवल 2 में ही लॉगिन करे। तो वो जब भी मेरा राउटर में आएगा लॉगिन करेगा, कौन सा लेवल में करेगा, लेवल 2 में, क्योंकि लेवल 1 तो उसको कहने लेवल 1 में तो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि लेवल 1 में जाने के लिए हम लोग को क्या नहीं कोई पासवर्ड शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ता है। बाय डिफॉल्ट में राउटर को ऑन कर दो तो बाय डिफॉल्ट में कहाँ पे आता है, लेवल 1 में आता है। जैसे यहाँ पे अगर राउटर को ऑन करोगे, बाय डिफॉल्ट में कौन सा लेवल होता है, वो लेवल 1 होता है ये। तो लेवल 1 में जाने के लिए तो कोई परमिशन नहीं चाहिए, लेकिन लेवल 1 में कुछ होगा भी नहीं। हाँ, अगर बाकी लेवल में जाना है तो उसके लिए परमिशन लेना पड़ेगा, मतलब पासवर्ड, परमिशन मीन्स व्हाट, पासवर्ड। लेवल 15 में भी कोई तुम्हारा यूज़र जा नहीं पाएगा, कि लेवल 15 का मैंने ऑलरेडी पासवर्ड सेट कर रख दिया, तो तुम्हारा राउटर कंप्लीटली सिक्योर्ड हो गया। और तुम्हारा राउटर अभी क्या, मल्टीपल यूज़र उसको हैंडल भी कर सकता है, क्योंकि तुमने मल्टीपल यूज़र के लिए अलग अलग लेवल बना के उन अलग अलग लेवल्स में तुमने अलग अलग कमांड सेट अलाउ कर दिया, जिसको तुमको जैसे देना है उसको तुम वैसे दे दिया। 15 लेवल का तुम एक्सेस किसको मत देना, वो तुम्हारा जो एकदम मेन एडमिन होगा वही 15 लेवल का एक्सेस लेगा। तो इस तरह से हम लोग राउटर में इस तरह से प्रिविलेज लेवल को सेट करते हैं। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट, ये जो टॉपिक है आज का, तुम लोगों को समझ में आ चुका होगा। एक बार खुद भी प्रैक्टिस करना, इसको मैंने GNS में किया है, तुम लोग पैकेट के समय भी कर सकते हो, कम्प्लीटली वहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा ये टॉपिक, ठीक है। तो आज यहाँ पे मैं क्लास को रिलीज करता हूँ, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट कोई कर। हाँ, तो बाकी सबका अगर कुछ डाउट हो मुझे बोल देना अगला क्लास में, एंड पहले तो मैं यहाँ पे इसको रिकॉर्डिंग को मैं क्लोज कर लेता हूँ।